वो टूट गई थी, वो बिखर गई थी, वो काम के तलाश में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पहचाना आपने कि कौन है ये? बॉलीवुड के दबंग खान की फिल्म वीरगति तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म ने पूजा को नाम दिया, शोहरत दी, लेकिन बीते साल पूजा की तस्वीरों ने तब सबको झकझोर कर रख दिया, जब टीवी के कारण एक महीने में उनका वजन 52 से 25 किलो हो गया। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि पिछले 2 दशक से पूजा डडवाल ने कोई फिल्म नहीं की है। कई साल तक पूजा को अच्छे काम की तलाश रही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालात और किस्मत ने पूजा का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काम की तलाश में इधर उधर भटकती रह गई। लेकिन टूटकर बिखरने के बजाय पूजा ने खुद को जोड़ लिया है और पूजा एक बार फिर से बॉलीवुड में एंट्री करने को तैयार है। पूजा अब फिल्म शुक्राना गुरु नानक देव जी का से वापस एंट्री करने जा रही है और अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड भी है। नमस्कार, मैं हूं पूजा डडवाल और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। हाँ हाँ, मैं वही पूजा डडवाल हूं जो 20 साल पहले गैप तो ले चुकी थी एंड या कुछ महीनों से काम भी ढूंढ रही थी, लेकिन आज फाइनली वो मौका आ चुका है एंड आई एम कमिंग बैक विद अ बैंग। बताती हूँ कैसे। पूजा गुरुद्वारे पहुंची और वहां पर जाकर मत्था टेका। उसके बाद पूजा ने अपनी फिल्म के पोस्टर्स के लिए एक फोटोशूट भी करवाया। चलिए अब चलते हैं पूजा के ही पास और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर 20 साल बाद वापसी कर रही हैं तो अपनी वापसी का किसे क्रेडिट देती हैं? आपको मिलवाती हूँ मेरे प्रोड्यूसर विकास जौली जी से एंड मेरे डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह जी से। पूजा, 2 दशक के बाद आप कम बैक कर रही है, ऐसे में ये तो बताइए कि आपको ये फिल्म कैसे मिली? एक कॉन्फिडेंस तो था ही कि यस, काम ज़रूर मिलेगा बिकॉज पेशेंस ऑलवेज पेज। लेकिन ये बहुत ही कहते हैं कि ऐसा किस्सा है जो आज सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने कैसे ढूंढा। एक्चुअली ये यूट्यूब देख रहे थे एक दिन एंड इन्होंने मेरा वो वीडियो देखा जब मैं बीमार थी एंड मैंने ये नंबर डाला था मेरा कि जब मैं सलमान सर से हेल्प मांग रही थी। इन्होंने वो मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल किया पंजाब से एंड स्पेशली पंजाब से ऑल द वे आए जस्ट टू साइन मी हियर इन मुंबई। एंड यस, आज हमारा पोस्टर लॉन्च है एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम बैक अगेन। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी एंड थैंक यू सो मच विकास जी, ही इज द पर्सन बिहाइंड नाउ द कर्टन्स ऑफ कोर्स बट द बिग मैन। पूजा, आप शुक्राना गुरु नानक देव जी का से कमबैक कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि कमबैक करने के लिए ये फिल्म कितनी सक्सेसफुल साबित होगी? येस, आई डेफिनेटली फील, देखिए कमबैक जो होता है वो अपने पे डिपेंड करता है, हम किस तरीके से कमबैक करते हैं। बट येस, ये फिल्म मुझे बहुत ही, इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म एंड काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो मेरे लाइफ के साथ जुड़े हुए भी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट कमबैक फिल्म फॉर मी ऑफकोर्स। एंड इनफैक्ट इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मैं कर रही हूँ, दिस इज़ अ रिलीजियस स्टोरी, लेकिन जो इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटिफुल वाइफ, दैट इज़ अ लिटिल कमर्शियल एंड मसाला वाला, सो डोंट वरी, यू विल सी बोथ द शेड्स। पूजा, आपने सलमान के साथ वीरगति की थी, उनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन था, ऐसे में ये तो बताइए कि सलमान से क्या आपकी मुलाकात हुई? अभी फिलहाल तो एक हफ्ता और है, मिलने जा रही हूँ मैं उनसे और मैं जैसे कि मैंने कहा था आप सबसे, प्रॉमिस किया था मैंने कि मरूंगी नहीं उनसे बिना मिले, तो मिलने जा ही रही हूँ बस, डोंट वरी, आई बी सीन विद हिम वेरी सून। पूजा, जरा ये तो बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? आफ्टर ऑल आपके फैंस को आपका बेसब्री से इंतजार था। एक वेब सीरीज का है अरशद सिद्दीकी साथ के कर रही हूँ एंड देयर इज अ म्यूजिक एल्बम आल्सो जो कि शूट होने वाली 15 से यहीं मुंबई में, तो है अब काम आ रहा है। लाइक आई सेड, माय पेशेंस हैज पेड मी एंड यस, थैंक्स टू माय फैंस जो आप लोगों ने हमेशा मेरे लिए दुआ ही की है, थैंक यू सो मच, बट आई एम कमिंग बैक। जाने से पहले पूजा अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको बेशुमार प्यार दिया है? आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, हमेशा हमेशा हमेशा, थैंक यू। आप लोग जो अभी इस वक्त जिस पूजा डडवाल को देख रहे हैं, वही पूजा डडवाल थी जो बहुत सैड 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 रहती थी, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी आप लोगों की वजह से मुझे मिली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा मुझे, हमेशा देखते रहे, रिपीट करते रहे मेरा वीडियो एंड मुझे हमेशा इतनी दुआएं आप लोगों ने दी है कि आज वो दुआएं आज मुझे लग चुकी हैं। आज भी प्लीज़ मुझे देखिए, मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो पूजा डडवाल वापस आई है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, अपना ये प्यार मेरे साथ बस बनाए रखिए, थैंक यू।
वेल, वी विश पूजा कि आपकी अपकमिंग फिल्म हर किसी के दिलों पर छा जाए और आपको फैंस का बेशुमार प्यार मिलता रहे। मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।